अपनी शादी के 6 माह बाद ही एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब पत्नी घर लौटी तो पति को फांसी पर लटका देख तुरंत आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अम्बा अस्पताल भिजवा दिया है। विदिशा जिले से 2 वर्ष पहले इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहकर नौकरी कर रहे 30 वर्षीय रामनारायण ने अपने साथ काम करने वाली युवती से कोर्ट में प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन रामनारायण को किसी अज्ञात कारण का ऐसा तनाव हुआ जो कि उनके सर के ऊपर से गुजरा। वहीं पत्नी के काम पर जाने के बाद अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल में पुलिस को कोई ना तो सुसाइड नोट मिला है और ना ही परिजनों से कोई कारण पता लग पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर, एक्चुअली ने तो न्यूज़ 7 में काम कर दिया था। मेरे पास में मेरे घर से फ़ोन आया कि बोले रामनारायण जी ने फांसी लगा ली। उसके बाद में वहाँ पे आया तो फिर इसके बाद में देखा तो फांसी पे लटका हुआ है। फांसी पे लटकने के बाद में मेरे सर को फोन लगाया, उसके बाद में मेरे रिश्तेदार ने फोन लगाया, फिर उसके बाद में कहीं आया। क्या कारण क्या लग रहा आपको? क्या सर कारण? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शादी वगैरह नहीं हुआ अभी, पति पत्नी झगड़ते थे या कुछ? सब कुछ ऐसा लगा नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा ये क्या तनाव में थे अपना कर्जे के। इसमें कितना करता है, किससे करता है? अब ये तो पता नहीं है सर। वो क्या परेशान करते थे कर्जे वाले? नहीं, इतना भी कोई परेशान नहीं करता था। मैं इनसे पूछा भी जाता था कि यानी एक्चुअली आपको कोई बात की दिक्कत हो तो बताओ। बताया नहीं। गौरीनगर में है, रात को करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि एक आदमी ने फांसी लगा ली। वो हम मौके पर गए थे, वो फांसी लगा ली थी। उसका अभी उसके परिजन जो है यहाँ MOH में आए हैं और उसकी बॉडी रात को MOH आ गई थी। यहाँ EM हो रहा है। यहाँ 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और पति पत्नी दोनों रहते थे घर में। ऐसा कोई विवाद का कारण अभी स्पष्ट मालूम पड़ नहीं रहा, जाँच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।